तो दोस्तों जो कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से हैं, उनका जो बीएससी का स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो 12 मार्च 2020 से स्टार्ट है। क्योंकि कुछ दिन पहले टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि टाइम आया नहीं था, टाइम टेबल तो अब फाइनली आ चुका है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले कन्फ्यूज हो रहे थे कि कब से स्टार्ट होंगे, तो वो फाइनली नई टाइम टेबल आ चुकी है जो कि आप देख पा रहे हैं, अभी जल्दी ही आई है। तो मैंने इसके लिए पहले बीए वालों के लिए वीडियो बना दी है और इस वीडियो में हम बीएससी वालों के बारे में बात करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर। तो इस समय हमारी जो पीडीएफ ओपन है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर टाइम टेबल की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होगी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर इसी तरह मैं तीन प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम प्रथम वर्ष की देख लेते हैं। तो जो प्रथम वर्ष हैं बीएससी, उनका जो एग्ज़ाम है 12 मार्च 2020 से स्टार्ट है, गुरुवार से। टाइम इनका है 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। इवनिंग बैच में इन लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जो फर्स्ट पेपर है 12 मार्च को वो है जंतु विज्ञान का, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं, वहाँ पर दिन और यहाँ पर डेट और यहाँ पर प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय। क्योंकि आपको मालूम है कि बीएससी में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि प्रथम और द्वितीय, तृतीय। तो जिन स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथ के स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के होंगे। तो भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए और फिलहाल मैं ये पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों की, तो बैक हो जाते हैं ज़रा सा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो पीडीएफ ओपन कर दी है बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष वालों का है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अभी तक फर्स्ट की बात की, अब द्वितीय की है। और इन लोगों का जो टाइमिंग है, टाइमिंग पे आप लोग देख लीजिए, टाइमिंग 11 बजे से 2 बजे तक है, यानी कि दोपहर में एग्ज़ाम इन लोगों को होंगे, ठीक है। 11 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम होंगे बीएससी सेकेंड ईयर वालों के। और इन लोगों के भी जो एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 12 मार्च से ही स्टार्ट है, और यहाँ पर उनका विषय दिया गया है और दिन दिया गया है। तो ज़रा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, तो आप सही से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप पता चले एग्ज़ाम आपका किसी और डे है, आप पहुँच जाएँ किसी और डे। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, सही से समझ लीजिएगा टाइम टेबल, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। आप, आई होप आपने देख लिया। इसका भी मैं पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम तृतीय वर्ष की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने ओपन है बीएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर की टाइम टेबल, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इन लोगों का जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का वो है 7 बजे से 10 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग वाली बैच में इन लोगों का एग्ज़ाम होगा 7 से 10। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 से 6, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उन लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 11 से 1 था शायद ना। और उसके बाद जो थर्ड ईयर वाले हैं यानी तृतीय वर्ष वाले, उनका 7 से 10 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा पूरा टाइम टेबल। और ये जो इन थर्ड ईयर वाले हैं, इनका भी एग्ज़ाम 12 मार्च से ही स्टार्ट होगा। इन लोगों के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसका भी मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी टाइम टेबल। अगर टाइम टेबल समझ में आ गई तो मुझे, मेरे द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी जानकारी मिलती है बी ए बी एस सी से रिलेटेड। मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम है वो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बी ए वाली क्लासेस तो मैं शाम को अपलोड करता हूँ, तो बी ए के स्टूडेंट जो भी हैं वो देख सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।